और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष आनंद देने वाला मनमोहक रुचिकर कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें समग्र विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है, जीवन से संबंधित, अच्छा इंसान बनाने से संबंधित, स्वास्थ्य के संबंधित और अन्य अन्य जो हमारे जीवन के अंदर आवश्यक तत्व है, उन तत्वों के बारे में सांगोपांग विवेचन किया जाता है और प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में हम प्रवेश करते हैं। तो आज का विषय एक जीवन का बहुत अच्छा उपयोग करने वाला विषय है। आज का विषय है जीवनोपयोगी तत्व उपशम एवं क्षमा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर व्यक्ति जीवन जीता है और हर एक जीना चाहता है। इस संसार के अंदर कोई मरना नहीं चाहता। छोटी से छोटी चींटी भी जीना चाहती है और वह भी सुख के साथ जीना चाहती है, कोई दुख नहीं चाहता है। जब कोई दुख नहीं चाहता है तो हम किसी को क्यों दुख दें? हम दुख नहीं चाहेंगे तो हम किसी को क्यों दुख दें? ये बात व्यक्ति के दिमाग के अंदर अच्छी तरह से फिट बैठ जाती है और व्यक्ति इसको हृदयंगम कर लेता है तो वह एक अच्छा इंसान बन जाता है। इसीलिए जीवन सुंदर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से तत्व, कुछ इस तरीके की आदतें, कुछ इस तरीके की लाइफस्टाइल हमें पालन करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन संतुलित हो और किसी के लिए दुखदायी ना हो। दो शब्द हमारे सामने, उपशम एवं क्षमा। उपशम का अर्थ है दबा हुआ, सप्रेस्ड, और क्षमा का अर्थ होता है टू फॉरगिव, किसी को क्षमा कर देना। और किसी को कोई गलती होती है उसके लिए उसको इग्नोर कर देना क्षमा कहलाता है। दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो उपशम कर्म के लिए आया जाता है। हमारा जो सारा जीवन है कर्मों के संचालित होता है। अगर यह कहें कि आज के संसार का सबसे बड़ा भगवान कर्म है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा में विश्वास करने वाला हर धर्म दर्शन ने कर्म को एक शक्तिशाली रूप के अंदर माना है, एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो कि जीवन को बहुत प्रभावित करता है, आत्मा को प्रभावित करता है। और कर्मों के कारण ही व्यक्ति 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमता रहता है, जीवन मरण करता रहता है। और इस जीवन मरण की साइकिल को तोड़ना, जीवन मरण के चक्र को तोड़ना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। उपशम, जब हमारे कर्म आत्मा के ऊपर चिपके हुए रहे, हमको किसी तरह का प्रभाव न दे, उसको उपशम कर्म कहा जाता है। और ये कर्म जब तक आत्मा के साथ दबे हुए रहते हैं तब तक कोई प्रभाव शरीर पर नहीं डालते हैं, लेकिन जो इनका उदय होता है, ये एक्शन के अंदर आते हैं, तब ये मनुष्य का आचार, विचार, रहन सहन, सोच सबको बदल देता है। और व्यक्ति की बुद्धि के लिए कहा जाता है कि मनुष्य की बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है, यानी वह उन कर्मों के प्रभाव से, उन कर्मों के उदय के अनुसार के अंदर बुद्धि भी परिवर्तित हो जाती है। अगर मान लो पुण्य कर्म का उदय हो रहा है तो बुद्धि जो है सुबुद्धि हो जाती है, और पाप कर्म का उदय होता है तो बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। कुबुद्धि की स्थिति के अंदर वह उल्टे कार्य करता है, वह कुकृत्य करता है, हिंसा करना, झूठ बोलना, पाप करना, चोरी करना, गुस्सा करना, बेचैन रहना, और उसके जीवन के अंदर बहुत सी कठिनाइयां आ जाती है। और जहां पर पुण्य कर्म होते हैं वहां व्यक्ति बहुत आनंद से रहता है, प्रसन्नता से रहता है, उसको अच्छा परिवार मिलता है और धर्म ध्यान के अंदर उसका जी लगता है, दान पुण्य के अंदर उसका जी लगता है, अच्छा कार्य करने की उसकी इच्छा होती है। तो ये अर्थ हो गया उपशम का। अब दूसरा है क्षमा। क्षमावीर से भूषणम, क्षमावीर का भूषण है। क्षमा करना इतना आसान नहीं है। हम प्रतिक्रिया बहुत कर सकते हैं,
नहले पे देला मार सकते हैं, टिट फॉर टैट कर सकते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, क्योंकि ये मानव प्रकृति है। लेकिन क्षमा करने वाला महावीर होता है, और जो व्यक्ति जो है क्षमाशील होता है वही क्षमा दे सकता है। और क्षमा देना एक होलिस्टिक सॉल्यूशन है। अगर किसी व्क्ति ने गलती की और तहे दिल से वो प्रायश्चित करता है तो हम उसको क्षमा कर देते हैं। हम ही क्षमा नहीं करते हैं, ईश्वर भी उसको क्षमा कर देते हैं। और हमारी जो वर्तमान की कोर्ट की व्यवस्था है, अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा सुना दी और उस व्यक्ति ने भीतर प्रायश्चित करना प्रारंभ कर दिया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने दुर्व्यवहार किया है, मैंने किसी को कष्ट की दिया है, मैंने किसी को हिंसा दी है, और मेरे इस कुकृत्य के लिए बार बार मैं प्रायश्चित करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, शुद्ध हृदय से करता हूँ, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। उसके व्यवहार बदलने से जेलर रिकमेंडेशन करता है जज साहब को कि ये तो एकदम साधु प्रकृति का बन गया, उसको वापस परखा जाता है। परखने के बाद के अंदर उसकी सजा भी कम कर दी जाती है, क्योंकि आखिर पनिशमेंट का जो अर्थ है, पनिशमेंट का उद्देश्य व्यक्ति को बदलना है। पनिशमेंट का अर्थ है व्यक्ति को नष्ट नहीं करना है। हमें पापी से घृणा नहीं करनी है, पाप से घृणा करनी है, और जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसको सुधारना है। यही सारा जो है हमारी न्याय प्रक्रिया का जो है उद्देश्य है। न्याय प्रक्रिया और जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो व्यक्ति को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, वो व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। लेकिन व्यक्ति सुधरना ही नहीं चाहते हैं तब उसका कोई इलाज नहीं है, उसको फांसी की सजा तक हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उपशम और क्षमा ये दो ऐसे महान तत्व है, ये दो ऐसे ईश्वर है, ये दो ऐसे देवता है, ये दो ऐसे भगवान हैं कि व्यक्ति अगर इनको धारण कर ले तो वह संत पुरुष हो जाता है। उपशम का अर्थ होता है जैसे हमारे क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, इसको न्यून करना, इसको दबाना, इसको कम करना, इस पर नियंत्रण करना। मनुष्य का जीवन ऐसा है कि वह नियंत्रण भी कर सकता है और शोधन भी कर सकता है। नियंत्रण बाहर की प्रक्रिया है और शोधन है भीतर की प्रक्रिया है। शोधन सब्लिमेशन के लिए भीतर जाना पड़ेगा, भीतर के जगत में गोते लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति प्रयास करे तो बाहर से अनुशासित हो सकता है। स्वयं प्रयास करने से अपनी आदतों में सुधार कर सकता है, अपनी सोच को बदल सकता है, अपनी नेगेटिव जो थॉट्स है उनको बदल करके पॉजिटिव बना सकता है। और इस नियंत्रण की प्रक्रिया के लिए जो है पुलिस है, सेना है, कोर्ट है, और सारे पनिशमेंट बने हुए हैं। ये क्यों बने हुए हैं? अगर मान लो नियंत्रण नहीं होता है तो समाज एक जंगल राज बन जाएगा। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है, और मनुष्य सृष्टि का सबसे बड़ा विवेकशील प्राणी है। अगर वह अनुशासित नहीं है और अगर वो अपने नियंत्रण के अंदर नहीं है तो पशुवत हो जाता है, और पशुवत बनने नहीं देता समाज है। इसीलिए सारा नियंत्रण किया गया है। और भीतर का नियंत्रण है वह शोधन करता है, भीतर का नियंत्रण है वह बीमारी को जड़ से काटता है। हमारे यहाँ दो तीन तरह की पैथी चलती है, जैसे कि एलोपैथी। एलोपैथी को आए हुए 70-100 वर्ष हो रहे हैं। ये क्या करती है? तुरंत इफेक्ट देती है, ये किसी भी बीमारी को दबा देती है, लेकिन उसके रिएक्शन के रूप के अंदर दूसरी बीमारी को जन्म देती है, या कुछ समय के बाद में वही बीमारी पुनः प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जो पुरानी पद्धतियां हैं, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये प्रारंभ से चली आ रही, हजारों हजारों साल से चली आ रही है। ये मनुष्य के अंदर जो मल होता है मनुष्य का, उसको मल को बाहर निकाल करके और शरीर का शोधन करती है। आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ है, तीनों अगर संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। और वात पित्त को कफ को संतुलित करने के लिए ही आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, और सारे मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए
प्राकृतिक चिकित्सा है। शरीर में जहाँ जहाँ भी मल इकट्ठा हुआ हुआ है वो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बाहर हो जाता है। तो बाहर होने से हमारी हर कोशिका, हमारा हर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जो है एक फ्लुएंट काम करता है, बहुत सुचारू रूप से कार्य करता है। तो भाई और बहनों, ये उपशम की बात हुई। हम क्षमा को थोड़ा सा है गहराई में जाकर के देखें, क्योंकि क्षमा एक ऐसा तत्व है वो समाज को जोड़े रखता है। देखिए, टू एयर इज ह्यूमन, गलती मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, जो गलती नहीं करता है वो देवता कहलाता है, और गलती करके उसमें सुधार कर रहता है वो मनुष्य कहलाता है, और बार बार गलती करता ही रहता है वो पशु कहिए या उसको राक्षस कहा जाता है। तो मनुष्य करेक्शन करता रहता है, और करेक्शन करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है क्षमा। आपसे गलती हो गई उसको आप क्षमा मांगिए, जिसके साथ आपने दुर्व्यवहार किया तो हम सॉरी कह सकते हैं, भाई साहब गलती हो गई मुझे क्षमा कीजिए, तुरंत किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर हम जो है वो काफ़ी वर्षों के बाद करते हैं और हमको पता नहीं है कि हमारा ये जो साइकिल चलती रहती है जीवन मरण की, तो किन किन लोगों के साथ में हमने कब कब जो है वो भूलें की है, दोष किए हैं, गलतियां की है, उनको कष्ट दिया है, उनको तकलीफ पहुंचाई है, उसकी भी एक विधि है। उस विधि को प्रतिक्रमण कहा जाता है। चार हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर चार बड़े मुख्य तत्व आते हैं जो कि क्षमा से जुड़े हुए हैं। वो तत्व क्या है? पहला तत्व है सामायिक। सामायिक अर्थ होता है समता की साधना, राग द्वेष के अंदर सम रहना, अनुकूल प्रतिकूल, सर्दी गर्मी, और उसके बाद में प्रशंसा निंदा, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, हर परिस्थिति को एक जैसा मानना, उसको जो है हमारी गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, और उसको प्रज्ञा पुरुष कहा जाता है, उसको प्रज्ञा पुंज कहा जाता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, अब हम इसको देखें कि ये ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम अनंत अनंत जो है हमारा भूतकाल के अंदर की गई सारी भूलों का जो है हम समस्त लोगों से चराचर जगत से जो है क्षमा याचना कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। वो बड़ी सुंदर विधि है। उस विधि को हरेक करना चाहेगा, हरेक की दिलचस्पी होगी, क्योंकि मनुष्य मात्र से जुड़ी हुई है, मनुष्य से नहीं प्राणी मात्र से जुड़ी हुई है, 84 लाख जीवा योनियों से जुड़ी हुई है। वह विधि मैं क्षमा से जुड़ी हुई चीज है, उपशम से जुड़ी हुई चीज है। वो प्रैक्टिकल रूप में पुनरुत्थान कार्यक्रम मात्र जो है थ्योरी का कार्यक्रम नहीं है, ये थ्योरी एंड एक्शन साथ लेके चलता है, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को साथ लेकर के चलता है, करण और कार्य को साथ लेके चलता है, सिद्धांत और व्याख्या को साथ लेकर के चलता है। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम एक होलिस्टिक कार्यक्रम है, मात्र सिद्धांत की बात नहीं करता है। तो मैं आपको वो विधि बताता हूँ जो कि टोटेलिटी के अंदर सबको कवर करती है। हम 84 लाख जीवा योनियों के बारे के अंदर पढ़ते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, हर भारतीय धर्म दर्शन ने 84 लाख उत्पत्ति स्थान बताए हैं सृष्टि के अंदर, इस जो है हमारी नेचर माँ के अंदर, वहाँ पर वो अनंत अनंत आत्माएं जन्म लेती है, उनके उत्पत्ति स्थान हैं। तो वो कौन कौन से जो स्थान हैं वो हमारी जानकारी में होना चाहिए, तभी उन स्थानों के अंदर जन्म लेने वाले जीव, जिनके जहाँ पर कि हमने भी कभी न कभी अवश्य जन्म लिया है, या उन लोगों के साथ में हमारा बुरा वर्ता हुआ है, उनको कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा याचना कैसे करते हैं, वो विधि मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले 84 लाख जीवा योनि की जो है गणना करूँगा, और फिर विधि बताऊँगा आपको कि किस तरीके से क्षमा मांगनी चाहिए।
देखिए 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 7 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बहेंद्रीय, 2 लाख तेन्द्रीय, 2 लाख चतुरेंद्रीय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख त्रिज पंचेंद्रीय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी जीव से मन से वचन से काया से करने से करवाने से अनुमोदने से किसी को मेरी आत्मा के द्वारा कष्ट पहुंचा है तो उसकी शुद्ध आत्मा से मैं शुद्ध हृदय पूर्वक जो है उसे क्षमा याचना करता हूं, मैं उनको क्षमा करता हूं और वे मुझे उनको क्षमा करें और ये जो 84 लाख जीवा योनि की जो प्राणी हैं उन सभी को मैं निर्दोष मानता हूं और निर्दोष घोषित करता हूं। ये क्षमा करने की एक अति उत्तम सर्वमान्य विधि है जिसके अंदर हमने एक एक जीवा योनि का नाम लेकर के कह दिया किसी के साथ हुआ है, किसी को छोड़ा नहीं है। और एक सबसे बड़ी क्षमा के अंदर विशेषता होती है कि व्यक्ति शुद्ध हृदय से अगर क्षमा मांगता है तो वो क्षमा जिसके साथ मांगी जा रही है वहां तक वो क्षमा पहुंचती है। क्योंकि हमारी जो चराचर जगत है उन जगत की आत्मा को अव्याबाद कहा जाता है। किसी की शुद्ध आत्मा होती है वो अन्य की शुद्ध आत्मा को कष्ट नहीं देती, कष्ट देने की उसमें प्रॉपर्टी नहीं है, और किसी की अन्य की आत्मा जो है हमको कष्ट देने की उसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं है कि दोनों समान हैं। इस समान होने के कारण वो सहज ही एक दूसरे से उनकी बात, क्योंकि वो अमूर्त होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और वो उनकी बात टेलीपैथी के माध्यम से उनके तक वो बात पहुंच भी जाती है। वो आत्माएं एक दूसरे से जो क्षमा याचना करके अपनी अपनी एनओसी ले लेते हैं या दे देते हैं, और सब प्राणियों से जब एनओसी प्राप्त हो जाती है उसके बाद मोक्ष आता है कि हमारा खाता क्लियर हो गया। इस आत्मा ने जिस जिसके साथ के अंदर दुर्व्यवहार किया था, दोष किए थे, पाप किए थे, कष्ट किए थे, हिंसा की थी, सब धुल गया, सब क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद जीरो की अवस्था होने पर वो आत्मा प्योर हो जाती है और वो अरूपी होकर के वो मोक्षगामी हो जाती, फिर कभी भी वो शरीर धारण नहीं करती। और इस 84 लाख जीवा योनि का जिसमें आपने अभी विवेचन किया उसके अंदर कभी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए भाई और बहनों कितने सुंदर तत्व है और कितने गहन तत्व है, इनको हम बड़ी सरलता के साथ अपने जीवन के अंदर काम ले सकते। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वर्तमान सिनेरियो की बात करेंगे और पुनरुत्थान कार्यक्रम निष्कर्ष की बात करता है, उपसंहार की बात करता है, सोशल यूटिलिटी की बात करता है, सामाजिक उपयोगिता की बात करता है, रिलीवेंस की बात करता है, प्रासंगिकता की बात करता है। तो आज का ये विषय जो है वो किस तरीके से मानव जाति के लिए 7 अरब की जनसंख्या सभी के लिए उपयोगी, और किसी को कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि ये विषय किसी भी वर्ण, किसी भी लिंग, धर्म, जाति, भाषा से नहीं जुड़ा हुआ है, प्राणी मात्र से जुड़ा हुआ है, मानव मात्र से ही नहीं प्राणी मात्र से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर ऐसा उच्च सिद्धांत बहुत ही सरल तरीके से अगर समाज के लिए सामने परोसा जाता है, समाज को दिया जाता है सरलीकरण होकर के, तो वो सबको मान्य होता है, सर्वग्राही होता है। इसीलिए हमें क्षमा के भाव को, उपशम के भाव को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना है। आजकल हो क्या रहा है कि हमारा उपशम और क्षमा दोनों भाव समाप्त हो रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, समाप्त हो गए हैं। इसका क्या उदाहरण है कि समाप्त हो गए हैं। आज व्यक्ति में किसी में टॉलरेंस पावर एकदम नहीं है, प्रतिरोधात्मक शक्ति 0 की अवस्था में आ गई है। थोड़ी सी बात के लिए व्यक्ति तू तू मैं करता है और अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर देता है, सुसाइड की अवस्था में आ जाता है। वह कोई चिंतन मनन निध्यासन नहीं करता है, तनुक मिजाजी होकर के और अपनी जीवन लीला को स्वाह कर देता है। उसका कारण असहनशीलता है। और दूसरा कारण, आदमी बहुत इगोस्टिक हो गया है, आदमी इतना घमंडी हो गया है,
आदमी इतना अहंकारी हो गया है कि वह जानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं ही हूँ, उसका अहंकारी होना भी वाजिब है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक बात आ गई है कि ये लोग कोई बात बताते हैं, अनुभवी लोग, वो तो इंटरनेट के अंदर मौजूद है, मैं भी देख के पता, इनसे बढ़िया मैं जानकारी करके पता लगा लेता हूँ। पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इंटरनेट जो है हमें शब्द दे सकता है, अनुभव नहीं दे सकता। इंटरनेट हमें अनुभूति नहीं करा सकता, अनुभूति ज्ञानी पुरुष ही करा सकता है। और ज्ञानी पुरुष की जब कृपा किसी पे बरस जाती है, गुरु की कृपा किसी पे बरस जाती है, तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला, गुरु ऐसा व्यक्ति है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़े चाव के साथ देख रहे हो, बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम भी आपको विषय बड़े इंटरेस्टेड बताते हैं, और इसका मूल उद्देश्य है कि जीवन बदले, व्यक्ति बदले, व्यक्ति का हृदय बदले। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, उपशम और क्षमाशील बने। आपके प्रति मंगल भावना सुख।